बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलीशा किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन कान सूप। खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, ज़ुकाम भी हो रहा है, मैंने सोचा चलो आज कान सूप बनाते हैं। तो सोचा आपको भी इसकी रेसिपी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ कान सूप। ये देखिए, मैंने इसके लिए लिया है 1.5 पाव चिकन लिया है। आप जितने हिसाब से बनाना चाहते हैं, जितनी क्वान्टिटी आपको चाहिए तो आप उतना ले लें। मैं 1.5 पाव बना रही हूँ, 1.5 पाव चिकन लिया है मैंने। ये मैंने लिए है आधी प्याली, मैंने लिए है कॉर्न की, अच्छे कॉर्न आ रहे हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने कॉर्न के सारे ये निकाल लिए दाने, और इनको मैंने आधी प्याली ये ले लिया है, इनको अलग से बॉईल कर लेंगे। और 4 चम्मच लिए मैंने कॉर्न फ्लोर के, और ये लिए मैंने इसमें जो डालेंगे मसाले, इसमें लिए मैंने एक प्याज़ लिया, ये छोटा अदरक का टुकड़ा लिया, और ये 5 जवे लिए मैंने लहसुन के, 2 लौंगे, एक बड़ी इलायची, और एक स्टिक लिए दालचीनी की। चलिए अब देखें कैसे बनाती हूँ मैं। ये देखें, पानी उबलने मैंने रख दिया, इसमें सबसे पहले हम ये डाल देंगे कॉर्न। अभी कॉर्न के मैं अलग से बॉईल करूँगी, कॉर्न को मैंने अलग से बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब दूसरे बर्तन में मैंने 5-6 गिलास मैंने पानी के डाल दिए, और इसमें मैंने डाल दिया चिकन। अभी हम इसमें एक पूरा प्याज डाल देंगे, साबुत ही डाल दें, ये 5 जवे लहसुन के भी डाल देंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंगे, और ये इतना बड़ा अदरक का पीस। बस अब इनको सबको चढ़ा के ढक्कन लगा के इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। ये देखें, हमारा सूप अच्छा सा बन गया। अब इसको मैं इसमें से छान लेते हैं इसको हम। ये देखें, ये जो हमने यखनी बनाई, मैं इसको छान के लाई हूँ, ये इस पैन में डालेंगे। ये जो मैंने कॉर्न दिखाए थे, इनको मैंने अलग से बॉईल किया। ये देखिए, कॉर्न को मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा मैंने इसको पीस दिया है। फिर साबुत साबुत मुंह में आते ही अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा इनको मैंने पीस दिया है, नरम करके मैंने इनको थोड़ा सा कूटा, चाहे मशीन में कूट ले, लाइट नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा डंडे कुंडे में थोड़ा सा मोटा सा कूट लिया। हमने इसमें नमक नहीं डाला था पहले। ये देखिए, नमक हमने नहीं डाला था इसमें, नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा सा कम रखेंगे, फिर बाद में जितनी ज़रूरत होगी उतना डाल लेंगे। अब जब तक इसमें उबाल आता है, अब हमने जो वो चिकन अलग से निकाल के रखा है बॉयल, उसके हम रेशे बना लेते हैं। पहले ये चिकन के देखिए, हमने ये रेशे बना लिए हैं, इसमें जो लहसुन अदरक और मसाले थे वो सारे निकाल दिए हैं। अब इसको 2 मिनट इसके साथ ढक्कन लगाते हैं। ये देखें, ये जो कॉर्नफ्लोर था, इसमें मैंने पानी डाल के इसको ऐसे घोल दिया है। अब इसको इसमें ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, और इसमें हम सूप में मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें भले एक उबाल आए, फिर इसमें हमने ये जो अंडे की 2 सफेदियाँ लेंगे, 2 अंडे लेंगे। इसकी जर्दी मैंने निकाल दी है, इसको भी फेंट के और इसमें डाल देंगे। ये थोड़ी सी डाल देंगे हम काली मिर्च, बाकी काली मिर्च जो है वो हम खाते हुए डाल लेंगे, जिसको जितनी चाहिए। अब इसको आपने जितना गाढ़ा रखना है आपकी मर्ज़ी है, कोई लोग पतला पसंद करते हैं इसे, कोई इसे गाढ़ा पसंद करते हैं। बस अब हम इसको भी डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छा तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त चिकन कान सूप तैयार हो गया। इसके साथ ये सोया सॉस मैंने रखा है थोड़ा, और वो मैंने सफ़ेद सुरके में एक हरी मिर्च बारीक काट के रखी है, काली मिर्च आप साथ में रख दें, क्योंकि इसमें भी नमक है, उसमें भी नमक है, इसमें हमने तकरीबन थोड़ा सा कम डाला है नमक, तो बहुत मज़ेदार है। गला वैसे ही ख़राब है, तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इसको ऐसे ही पियेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।